जमा दो के सीबीएसई के परीक्षा में नूरपुर पब्लिक स्कूल के छात्र पुष्पदीप ने 98.8% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुष्पदीप ने केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और मैथ में 100% अंक लेकर और फिजिक्स में 99 और अंग्रेजी में 95 अंक हासिल किए हैं। पुष्पदीप के पिता विक्रमजीत सिंह दुकानदार हैं और माता रंजुबाला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। माता पिता को अपनी प्रेरणा मानने वाले पुष्पदीप सिंह कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं। जमा दो की सीबीएसई की परीक्षा में नूरपुर पब्लिक स्कूल के छात्र पुष्पदीप ने 98.8 अंक हासिल कर प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुष्पदीप ने केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और मैथ में 100%, फिजिक्स में 99 और अंग्रेजी में 95 अंक हासिल किए हैं। पुष्पदीप के पिता विक्रमजीत सिंह दुकानदार हैं और माता रंजूवाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। माता पिता को अपनी प्रेरणा मानने वाले पुष्पदीप सिंह कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं। पुष्पदीप ने बताया कि उसने कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ी और ना ही कोई कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी से ही ये मुकाम हासिल किया है। पुष्पदीप को टीवी पर समाचार सुनना और न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद पसंद है। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में जेईई मेन में भी बिना किसी कोचिंग के ही पुष्पदीप ने 99% नंबर हासिल किए, जबकि 2017 में पुष्पदीप के 10वीं के साइंस के पेपर की सीबीएसई ने मॉडल आंसर के तौर पर भी अपलोड किया था। यही नहीं, दो साल पहले पुष्पदीप सिंह प्रदेश स्तर पर होने वाले चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का चैंपियन भी रह चुका है। प्रदीप सिंह है एंड आई एम फ्रॉम नूरपुर पब्लिक स्कूल। आई हैव रिसेंटली मैंने 494 मार्क्स लिए हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन में और हिमाचल में मेरी पोजीशन है सेकंड एंड दिस ऑल आई हैव अचीव्ड बिकॉज ऑफ माई सेल्फ स्टडी। मैं ये स्कूल में जो है नर्सरी से ही पढ़ता आ रहा हूँ इन लास्ट 15 ईयर्स एंड दिस इज ऑल बीन अकम्पलिश ड्यू टू माई सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क एंड आई गिव क्रेडिट टू माई टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माई गाइडर्स। इन 10th क्लास आई स्कोर 10 CGPA इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड माई पेपर साइंस पेपर वॉज सिलेक्टेड फॉर मॉडल आंसर। फिर 10th में ही मुझे हिमाचल प्रदेश जो चिल्ड्रन बाल विज्ञान जो प्रतियोगिता होती है वहाँ पर जाने का अवसर मिला था और वहाँ पर भी नाहन तक मैं स्टेट लेवल तक पहुँचा था। फिर जब प्लस टू आई तो 12th में मुझे बाल विज्ञान मेले में जाने का अवसर मिला और वहाँ भी मैं चंबा जिला में जो फाइनल हुआ था उसमें मैंने भाग लिया था। और मेरा तो विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ट्यूशंस के पीछे ना भागें। जो कुछ भी किया जाता है हम अपनी मेहनत से उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी, अपना हार्डवर्क वही हमें एक मुकाम बनाने में सहायता देता है, ना कि ट्यूशंस के पीछे भागकर और उस पर पैसे व्यर्थ खर्च करके। मेरा नाम अरुणिमा है और मैंने प्लस टू में 96.6% लिया है और मेरे इंग्लिश में 96, बायो में 96, केमिस्ट्री में 97, फिजिक्स में 95 और फिजिकल एजुकेशन में 99 मार्क्स हैं। और मैं आगे जाके पेडियाट्रिक्स बनना चाहती हूँ और मेरा सभी से सभी को ये संदेश है कि अपना हार्डवर्क करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और कभी भी ट्यूशंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। स्कूल के चेयरमैन अरविंदर डोगरा ने बताया कि हमारे स्कूल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे स्कूल के होनहार छात्र पुष्पदीप सिंह ने पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वैसे ये नूरपुर पब्लिक स्कूल ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमारा पुष्पदीप जो है वो पूरे हिमाचल स्टेट में सेकेंड नंबर पर रहा है बाय स्कोरिंग 98.8% मार्क्स। हम भी कभी सोचते थे कि क्या कभी 100% मार्क्स मैथ्स में आ सकते हैं, तो पुष्पदीप ने इस बार वो साबित कर दिया। राधे इस बार हमारे दो स्टूडेंट्स के जो है 100% मार्क्स जो है वो मैथ्स में आए हैं और पुष्पदीप ने तो केमिस्ट्री में भी 100% मार्क्स लिए हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी 100% लिए हैं एंड द ब्यूटी जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स उसमें 99 है। मैं जो पुष्पदीप को जो या मैं जो लड़की हमारी सेकेंड रही है विद 96.8% मार्क्स मृगाक्षी, इन लोगों को देखता था तो इन्होंने सेल्फ स्टडी ही की है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।